हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज 110 एक्स के बारे में, जो कि सिटी 100 नाम है इस गाड़ी का। सिटी 100 मैंने बोल दिया। तो इस वीडियो में आप सिंपल देख सकते हो इसके इंजन के बारे में। तो इसकी पूरा होल रिव्यू आपको आने पड़ा है, क्या इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटेल है, कितना पावर जनरेट करता है, कितना माइलेज है, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या प्राइस है, ऑन रोड प्राइस, इसकी लंबाई चौड़ाई, हेडलाइट क्या है, इसका सर्विस कॉस्ट क्या है, ये कौन कौन से कंपटीशन देता है, इस बड़ी गाड़ी जो है, ये जो बाइक है, किस किस बाइक को कंपटीशन दे देता है अपने सेगमेंट के अनुसार, इसमें कितने गियर है, तो इसमें 4 गियर आते हैं बाइक में। आपको इसका जो हेडलाइट बता दूं मैं आपको, तो इसका हैलोजन हेडलाइट है, और जो ऊपर वाला आप देख हेडलाइट देख रहे हो वो LED है। साइड लाइट की मैं बात करूं तो इसमें बल्ब यूज़ किया जाता है। और इसकी जो ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करूं तो इसका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम पे ये गाड़ी बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा अलाइवल सीट में स्पॉक्स में गाड़ी नहीं आता है, इसमें अलाइवल में मिल जाएगा आपको गाड़ी। सिटी 100 का जो आपको रियर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो कि 125 नैनोमीटर ट्रैवल पे बेस्ड है। इसकी यहाँ पे आप जो प्रीमियम क्वालिटी कार्बन फिनिश रेडिस देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके रियर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है, जिसको हम कहते हैं NSNS, जो कि 100 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और उसका वेल ट्रैवल, और जिसका जो आप ग्राउंड टू जमीन का जो ग्राउंड जो जमीन है और जो इंजन है उसके बीच का दूरी के बारे में बात करूं तो 170 मिलीमीटर का दूरी है, यानी कि आप हर जगह कहीं भी गाड़ी को चला सकते हो। ये गाड़ी रफ एंड टफ है। अब मैं बात करूं इसकी सीट के बारे में, तो आप देख सकते हो सीट के पीछे आपको कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है रखने के लिए, बैग वैग जो भी आप सामान रख सकते हो, टॉप बॉक्स से लेकर कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे पीछे सीट के पे। इसकी सीट की कैपेसिटी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बाइक पर 3 लोग मना रहता है। तो काफ़ी अच्छा सीट है, लंबाई सीट है। और आप देख सकते हो इसकी पीछे ब्रेक के बारे में, तो पीछे की ब्रेक के बारे में बात करूँ तो आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। आगे के ब्रेक के बारे में बात करूँ तो ड्रम मिलता है, लेकिन ABS नहीं मिलता है, सिंगल चैनल ABS कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको BS6 मॉडल है गाड़ी है, इसमें एक हॉर्न यूज़ किया गया है जो कि थोड़ा अच्छा आवाज़ करता है हॉर्न। इसमें ये प्लेन है, FI इंजन नहीं है इस गाड़ी का, मैं बता दूं FI इंजन नहीं है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी डिजिटल यूज़ नहीं किया गया है। ये अब एक हल्का डिसएडवांटेज आपको मिल जाता है, इस गाड़ी में कुछ भी डिजिटल मीटर या कुछ भी ऑडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर कुछ भी डिजिटल नहीं है। इस गाड़ी में कुछ भी ब्लूटूथ से लेकर कोई भी आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाए तो ब्लूटूथ सब कुछ भी नहीं है, आप जान लो बाइक गाड़ी के बारे में। उसके बाद मैं बहुत सारे बातचीत बात करने वाला हूँ, तो पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, मैं बताने वाला हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके। दोस्तों, जिस तरह से आपने इसका आवाज़ सुना तो आपको अच्छा लगा, इसका ये ऑनर बुक है इसकी। और मैं बारे में बात करूँ तो इस गाड़ी का जो इन पावर है वो 7.9 PS से जनरेट करता है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 4 गियर मिल जाते हैं। इसकी लंबाई के बारे में तो 1945 मिलीमीटर का लंबाई है। इसकी चौड़ाई के बारे में बात करूँ तो इसको 752 मिलीमीटर का चौड़ाई है। इसका हाइट के जो बारे में बात करूँ तो 1072 मिलीमीटर का इसका हाइट है। और इसकी मैं ओवरऑल वेट की बात करूं, यानी कि वज़न की बात करूं, तो इसका 115 किलो का इसका वज़न है। इस गाड़ी का जो टैंक का कैपेसिटी है, यानी कि जो आप इसमें पेट्रोल रख सकते हो तो इसमें 10.5 लीटर का पेट्रोल आप रख सकते हो। ये ABS नहीं है, इसमें DRLs हैं, ABS नहीं है। ये बाइक कॉम्पिटिटर बाइक आता है। और इसका जो सर्विस कॉस्ट है, आपको पहला सर्विस आपको 490 रुपये का देना पड़ेगा, दूसरा सर्विस 450 रुपया, तीसरा सर्विस 640 रुपया, जबकि तीनों सर्विस फ्री है। 5, 6, 7 यानी कि चौथा सर्विस आपको 586 रुपया, पांचवा सर्विस 950 रुपया, और छठा सर्विस आपको पड़ जाएगा 400 रुपया, और सातवां सर्विस पड़ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1200 रुपया। और इसकी कंपटीशन के बारे में बात करूँ, यानी कि इस गाड़ी के कंपटीटर्स जो हैं वो हैं TVS स्पोर्ट्स, हीरो HF डीलक्स, बजाज प्लेटिना 110 CC, बजाज सिटी 100 और बजाज प्लेटिना 110 एच गियर इसका कंपटीशन है। इस बाइक के पावरफुल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ जो कि मेन है, तो ये गाड़ी 7.9 PS यानी कि @7500 RPM का पावर जनरेट करता है। तो मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करूँ
8.34 नैनोमीटर एट द रेट 5500 आरपीएम पे इसका मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी तीन कलर में आते हैं, इसका अभी एक कलर ये है, दूसरा कलर मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसका वीडियो आप लोग जरूर से ज़रूर देखना। एंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।